हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 5x + 4y लेस देन या इज इक्वल टू 20, एक्स ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 1, वाई ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 2। अब फर्स्ट में हमारे पास जो कंडीशन है उसको सोल्व करेंगे और एक टेबल निकाल लेंगे। 5x + 4y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। तो हमारे पास क्या आया? 5x + 4y इज इक्वल टू 20 लेके चलें। x की वैल्यू मैंने क्या रख दी? 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 5 जा 25 आ जाएगा। फिर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी तो क्या आ जाएगा? 5 4 जा 20। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब करेंगे पुट 0 0 इन इक्वेशन, क्योंकि टूवर्ड्स द ओरिजन है या अवे द ओरिजन, इसके लिए हमें क्या करना है? 0 0 पुट करना है। अब इसके अंदर 0 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5x + 4y लेस देन इज इक्वल टू 20। तो 0 है वो लेस देन 20 है, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 0 है वो 20 से लेस है। तो क्या बोल देंगे? विच इज ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू है तो क्या आता है? टूवर्ड्स द ओरिजन। तो हाफ प्लेन ऑफ 5x + 4y लेस देन इज इक्वल टू 20 इज टूवर्ड्स द ओरिजन, ओरिजन के पास का एरिया आएगा। सेकेंड हमारे पास क्या है? x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अब इसके अंदर कर देंगे पुट 0 0, 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा? 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, बट 0 वो 1 से बड़ा नहीं है तो क्या आएगा? विच इज फॉल्स। तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है? y ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 2, उसके अंदर भी 0 पुट किया तो वो भी क्या आ जाएगा? 0 ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 2, वो भी क्या आया? फॉल्स आया। दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स के लिए हमेशा क्या होता है? अवे फ्रॉम द ओरिजन। तो क्या लिखेंगे? हाफ प्लेन ऑफ वाई ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 2 अवे फ्रॉम द ओरिजन। एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। प्लेन के ऊपर सबसे पहले हम इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं। क्या है? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, ये हमारे पास आ जाएगा 0 4। फिर क्या आया हमारे पास? तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये हमारे पास ये आ जाएगा। इन दोनों को मिलाने के लिए हमने क्या कर दी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट रो कर रखी है। सेकंड हमारे पास क्या है कि x इक्वल के लिए है तो x इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। x इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। और नेक्स्ट क्या है? y इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2 के लिए आएगी। फर्स्ट कंडीशन कैसी थी? ट्रू थी। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू थी तो क्या आएगा? टूवर्ड्स द ओरिजन। तो फर्स्ट कंडीशन से तो क्या आएगा? अंदर का एरिया आएगा हमारे पास, तो ये वाला एरिया हो जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन सेकेंड कंडीशन कैसी है? दोनों फॉल्स हैं, तो इन दोनों से तो क्या बोल रही है? बाहर का एरिया। इससे बाहर का एरिया तो ये पूरा हो जाएगा, और इससे बाहर का एरिया ये हो जाएगा। तो तीनों में कॉमन एरिया क्या आएगा आपके पास? ये तीनों में कॉमन एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 3x + 4y लेस देन या इज इक्वल टू 60, x + 3y लेस देन या इज इक्वल टू 30, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3x + 4y लेस देन इज इक्वल टू 60 है, वैल्यू अप्लाई करेंगे। अब 3x + 4y इज इक्वल टू क्या लेके चल पड़े? 60। x की वैल्यू मैंने 8 रखी, x की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 3 जा 24, 60 में से 24 माइनस कर देंगे 36, तो 4 9 जा 36, y क्या आ जाएगा? 9। x की वैल्यू 12 पुट कर देंगे, y 6 आ जाएगा। अब इसके अंदर 0 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 0 हो जाएगा, और 0 less than 60 आ जाएगा। तो 0 less than 60 वो कि ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या आ जाएगा? टूवर्ड्स द ओरिजन। इसी तरह सेकेंड क्या है? x + 3y इज इक्वल टू 30 लेके चल पड़े। x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y क्या आएगा? 10 आएगा। x की वैल्यू मैंने 9 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा? 30 में से 9 कर दें 21, और 3 7 जा 21, तो y क्या आ जाएगा? 7। अब इसके अंदर 0 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा? 0 less than या इज इक्वल टू 30, ये भी ट्रू आ गया। तो दोनों के लिए हमारे पास क्या आएगा? टूवर्ड्स द ओरिजन। इसी तरह से पुट कर देंगे 0 0 इन दोनों इक्वेशंस के अंदर 0 0 पुट करेंगे तो ये भी ट्रू आएंगे, क्योंकि 0 के इक्वल तो है ही दोनों, तो इक्वल आ जाएंगे। तो क्या बोल देंगे? हाफ प्लेन ऑफ x ग्रेटर देन 0 या y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 टूवर्ड्स द ओरिजन, ओरिजन के पास आएगा। अब इसके कंडीशंस को देखो कैसे करेंगे ड्रॉ। ये हमारे पास एक फिगर ड्रॉ कर देंगे। x की वैल्यू 8 आएगी, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 9 है, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। और 8 और 9 नहीं, यहाँ पे आएगा बेटा आपका पॉइंट, ये जो है आपके पास नियरली यहाँ पॉइंट आएगा। सेकंड क्या है? x की वैल्यू 12,
एक्स की वैल्यू 12 है, वाई की वैल्यू 6 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे तो ऐसे ड्रॉ कर देना। सेकंड क्या है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी हमारे पास और ये आ जाएगा 7, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कर देंगे, और सभी कंडीशंस में क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन है तो सभी से अंदर का एरिया हमारे पास ये आ जाएगा, पूरा का पूरा जो आएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई लेस देन या इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इज इक्वल टू 6। तीन कंडीशंस हैं, पहले तीनों कंडीशंस से टेबल निकाल लेंगे हम। फर्स्ट कंडीशन ले ली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू मैंने 0 अप्लाई, वाई की वैल्यू 0 अप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर अगर हम x की वैल्यू 0 अप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, फिर 0 पुट कर देंगे इस वैल्यू के अंदर तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। 0 है वो 4 से ग्रेटर है, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या बोल देंगे, विच इज फॉल्स, हाफ प्लेन ऑफ 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 फॉल्स है, तो क्या आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लेके चल पड़े, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे y 0 हो जाएगा, x 0 पुट करेंगे y 3 आ जाएगा, अब इसके अंदर 0 अप्लाई कर देंगे क्या आएगा, 0 लेस देन या इज इक्वल टू 3, 0 है वो 3 से लेस भी है और इक्वल भी है, तो क्या बोल देंगे, विच इज ट्रू, और कंडीशन ट्रू है तो क्या आएगा, हाफ प्लेन टूवर्ड्स द ओरिजन। इसके बाद क्या है, थर्ड हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y लेस देन या इज इक्वल टू 6, इक्वल टू 6 लेके चले, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे y क्या आ जाएगा, माइनस 2, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x हमारे पास 3 आ जाएगा, इसके अंदर 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 अप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, और लेस देन इज इक्वल टू 6, 0 हो वो 6 से लेस है तो क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, ट्रू है तो क्या आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजन। तीनों के लिए हमारे पास इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0 ये आ जाएगा, और यहाँ से क्या आया, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक्स 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या आ रखा है, अवे फ्रॉम द ओरिजन, तो इससे तो बाहर का एरिया आएगा फर्स्ट वाले से, तो सेकेंड में क्या आया हमारे पास, 3, ये हमारे पास 3 और ये भी 3, दोनों को पुट करके मिला देंगे ये सेकेंड आ जाएगी, इसमें क्या है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो इससे अंदर वाला एरिया आ गया। थर्ड में क्या है हमारे पास, ट्रू है और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2 ये आ जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 ये आ जाएगा, इसको हमने थर्ड इक्वेशन हो गया। इसमें क्या है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो ओरिजिन की साइड ये एरिया आ जाएगा ऊपर वाला, अब तीनों में कॉमन ये एरिया आएगा आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक्स माइनस 2y लेस देन या इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। फर्स्ट कंडीशन क्या, x माइनस 2y लेस देन इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 3 लेके चले, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे y की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे y की वैल्यू 1 आ जाएगी, अब 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 है वो लेस देन 3 है, ये पॉसिबल है, विच इज ट्रू, हाफ प्लेन ऑफ x माइनस 2y लेस देन इज इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x 4 आ जाएगा और x 0 पुट कर देंगे y 3 आ जाएगा, तो ये कंडीशंस आ जाएंगी, फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या, 0 अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 12, और 0 है वो 12 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा, विच इज फॉल्स, फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजन। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास दोनों कंडीशंस में अप्लाई करेंगे, 0 अप्लाई कर देंगे, x ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0, x के 0 के इक्वल है तो इक्वल है तो क्या बोल देंगे, ट्रू, और ट्रू है तो क्या आ जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजन। इसी तरह से y के लिए भी क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, 0 हमारे पास क्या, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, बट 1 हमारे पास 0 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा, विच इज फॉल्स, फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजन। अब इसके लिए हम ड्रॉ करके दिखाएंगे प्लेन, ये प्लेन ड्रॉ कर रखा है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, y की वैल्यू माइनस 1 ये आ जाएगी हमारे पास। सेकंड क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 5 है और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू 4, y 0, ये हमारे पास आ जाएगा 4,
और ये हमारे पास आ गए 3 के लिए, इसको कर देंगे सेकंड इक्वेशन। थर्ड क्या है, वाई इज इक्वल टू 1 के लिए, वाई इज इक्वल टू 1 के लिए ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 1, थर्ड आ गई। अब इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट में क्या था, ट्रू, ट्रू था तो क्या आएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन में ये आ जाएगा कि ओरिजिन की साइड का एरिया आ गया, तो ये पूरा का पूरा एरिया आ गया। सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन आ जाएगा तो इससे तो बाहर का एरिया आएगा, और इसमें भी क्या आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इन तीनों में कॉमन जो एरिया आएगा वो आपके पास ये एरिया तीनों में कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर एक्स प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 60, वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2x और एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, एक्स वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। फॉर एक्स प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 60, पहले लेके चले इक्वल के लिए, फॉर एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 60, y की वैल्यू मैंने 0 अप्लाई कर दी तो x क्या आ जाएगा 15, फिर x की वैल्यू 0 अप्लाई कर देंगे तो y 20 आ जाएगा। पुट कर देंगे 0 0 इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन के अंदर 0 0 पुट किया तो क्या आया, 0 लेस देन 60, 0 60 से लेस है तो क्या आ जाएगा, विच इज ट्रू, और ट्रू है तो हाफ प्लेन ऑफ फॉर एक्स प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 60 इज टूवर्ड्स द ओरिजन, ओरिजन के पास का एरिया आएगा। सेकंड क्या है, वाई इज इक्वल टू 2x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी तो वाई 10 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 10 पुट कर देंगे वाई 20 आ जाएगा, ऐसे ही इसके डबल के इक्वल आता जाएगा हमारे पास है। अब पुट कर देंगे 10 0, क्यों किया हमने 10 0, क्योंकि वो इसके डबल के इक्वल है तो हमारे पास क्या कर दिया, 10 0 अप्लाई कर देंगे, 10 2 20, माइनस वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और लेस देन 0, 20 है वो लेस देन 0 है बट ये पॉसिबल नहीं है, 20 तो ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा, विच इज फॉल्स, हाफ प्लेन ऑफ 2x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 0 इज अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दूर आएगा अगर फॉल्स है तो। फिर पुट कर देंगे 0 0, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 के लिए वो भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 0 वो 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता तो क्या आ जाएगा, विच इज फॉल्स, हाफ प्लेन ऑफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 अवे फ्रॉम द ओरिजन। अब इसके लिए ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट क्या है, पहले हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया और एक वैल्यू हमारे पास क्या, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 के लिए 0 से 5 है तो बीच में हमने ले लिया 3, तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी x इज इक्वल टू 3 के लिए। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 15 है, y 0, ये 15 आ गया y 0, यहाँ पे y 20 आ जाएगा, x 0, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई आपके पास, ये ड्रॉ कर दी हमने। सेकंड क्या है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 आ जाएगी, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 20, ये इक्वेशन सेकंड आ गई और ये इक्वेशन थर्ड। तीनों में हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजन, ओरिजन के पास का एरिया तो इससे हमने अंदर का एरिया ले लिया। सेकंड में क्या, अवे फ्रॉम द ओरिजन, तो सेकंड में हमारे पास हाफ प्लेन अवे फ्रॉम द ओरिजन, तो सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या दे रखा है, अवे द ओरिजन, ओरिजन से दूर का एरिया दे रखा है तो ये हमारे पास आ जाएगा इससे दूर का एरिया। और थर्ड में क्या आ जाएगा, थर्ड भी फॉल्स है, थर्ड में भी हमारा इससे बाहर का एरिया आ जाएगा ये, तो ये हमारे पास दोनों में क्या आ जाए, तीनों में क्या आ जाएगा, कॉमन एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, 3x प्लस 2y लेस देन या इज इक्वल टू 150, एक्स प्लस 4y लेस देन इज इक्वल टू 80, एक्स लेस देन इज इक्वल टू 15, वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। फर्स्ट है हमारे पास इज इक्वल टू 150 लेके चलेंगे, तो देखो x की वैल्यू मैंने 30 अप्लाई की, y की 30 आ जाएगी, x की वैल्यू 40 अप्लाई कर देंगे, y की वैल्यू 15 आएगी। फिर हम क्या करेंगे, 0 0 अप्लाई करेंगे, 3x plus 2y less than is equal to 150, 0 less than 150, 0 है वो 150 से लेस है तो क्या हो जाएगा, विच इज ट्रू, और जब कंडीशन ट्रू है तो क्या आता है, हाफ प्लेन ऑफ 3x plus 2y less than is equal to 150 is towards the origin, origin के पास का एरिया आएगा। सेकेंड कंडीशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y 20 आ जाएगा, x की वैल्यू 40 पुट कर देंगे तो y 10 आ जाएगा। अब इसके अंदर जब हम 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 लेस देन इज इक्वल टू 80, 0 है वो 80 से लेस है तो क्या आ जाएगा, विच इज ट्रू, और जब कंडीशन ट्रू है तो क्या आता है, टूवर्ड्स द ओरिजन। थर्ड हमारे पास क्या है, x लेस देन इज इक्वल टू 15, 0 0 पुट किया तो क्या आएगा, 0
लेस देन इज इक्वल टू 15, तो ये हमारे पास ट्रू है कि 0 15 से लेस है, और जब ट्रू है तो क्या आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजन. तीनों में क्या है, टूवर्ड्स द ओरिजन. अब पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट में क्या है, x 30, y 30. x हमारे पास 30 आ जाएगा और y 30. ये x की वैल्यू 30, ये y की 30, ये आ जाएगा पॉइंट. x की वैल्यू 15 है और x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 15, ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट. ये आएगा यहाँ पे आएगा पॉइंट आपके पास 15. तो ये हमारे पास ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड क्या, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, ये आ गया. और x की वैल्यू 10 आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 10, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई. थर्ड में हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 15 के लिए, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है. तीनों में क्या, टूवर्ड्स द ओरिजन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों का कॉमन एरिया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. x प्लस 2y लेस देन या इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई ग्रेट लेस देन इज इक्वल टू 0, x और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. फर्स्ट कंडीशन लेके चले, x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 10. अब इज इक्वल टू 10 लेके चले, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, 10 में से 2 जाएगा 8, y की वैल्यू क्या आई 4. x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3. अब पुट कर देंगे इसके अंदर 0 0 0 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इज इक्वल टू 10, 0 10 से लेस है तो क्या आ जाएगा, विच इज़ ट्रू. और ट्रू है तो क्या आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजन. सेकेंड है, x प्लस y इज इक्वल टू 1 के लिए लेके चले, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, y 1 आया, x 1 पुट कर देंगे, y 0 आ जाएगा. तो पुट कर दिए 0 0 इन x प्लस y लेस देन इज इक्वल ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 1 के लिए, जो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि 0 वो 1 से बड़ा नहीं है, तो विच इज फॉल्स. और जब कंडीशन फॉल्स है तो क्या आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दूर का एरिया आएगा. नेक्स्ट है, 4x माइनस y इज इक्वल टू 0 के लिए लेके चले, तो x 1 रखेंगे, y 1, x 2, y 2, x 3, y 3, सेम पॉइंट आएंगे. पुट कर दिया 2 0 इन x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू 0, यहाँ हमने 2 अप्लाई कर दी, x की वैल्यू 2 कर दी, तो क्या आ जाएगा, 2 है वो लेस देन इज इक्वल टू 0 है, बट विच इज़ फॉल्स, क्योंकि 2 तो ग्रेटर है, तो क्या आ जाएगा कि अवे फ्रॉम द ओरिजन. अब इसको पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट के क्या है, 2 और 4, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी. x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 4 ये आ जाएगी हमारे पास. x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर सेकंड. फर्स्ट सेकंड है 0 1, ये हमारे पास ये आ जाएंगे 0 1, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड. थर्ड इक्वेशन के लिए क्या है, 1 1 2 2 0 0, तो ये किससे आएगी, ओरिजिन से ड्रॉ कर देंगे, ये हमारे पास ओरिजिन से ड्रॉ होगी, इक्वेशन नंबर 3. अब तीनों में क्या दे रखा है, फर्स्ट में क्या था, ट्रू था, ट्रू था तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन अंदर का एरिया आएगा. सेकंड में क्या थी, फॉल्स थी, फॉल्स थी तो क्या आएगी, अवे द ओरिजिन, तो सेकंड से हमारे पास क्या आएगा, अवे द ओरिजिन, इससे बाहर का एरिया ले लेंगे. थर्ड में क्या है, थर्ड भी हमारे पास फॉल्स है, तो थर्ड में भी क्या आएगा, अवे द ओरिजिन, तो थर्ड हमारे पास ये अवे द ओरिजिन, इसमें भी ये आ जाएगा. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों का कॉमन एरिया. ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.3. ओके, थैंक यू.